और बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, योगी आदित्यनाथ इस वक्त दिल्ली पहुंचे हुए हैं गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने के लिए। 25 तारीख को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, तमाम मंत्री भी शपथ लेंगे, लेकिन अब फाइनल मुहर आज की रात लग जाएगी कि कौन कौन होगा मंत्रिमंडल में शामिल। और ये बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से सामने आ रही है, जहां योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं गृह मंत्री से मुलाकात करने के लिए। तो शपथ ग्रहण से पहले दिल्ली में ये मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि उन तमाम नामों को लेकर के जो फाइनल लिस्ट भी तैयार की गई है उस पर अंतिम मुहर लग सकता है, चर्चा और आगे हो सकती है, किसे कौन सा विभाग भी दिया जाएगा। और इसके अलावा योगी आदित्यनाथ की गृह मंत्री से ये मुलाकात, कल गृह मंत्री भी यहाँ लखनऊ खुद पहुंच रहे हैं, योगी आदित्यनाथ भी वापस यहाँ पर आएंगे, 25 को शपथ ग्रहण है। एक रिपोर्ट आई आपको दिखाते हैं। बुलडोजर ने पकड़े रफ्तार, भागे गुंडे माफिया। शपथ से पहले बाबा ने दिखाया ट्रेलर। शपथ के बाद दिखाएंगे पूरी फिल्म। पच्चीस मार्च की तैयारी, आ रहे हैं बाबा। बाबा के ताजपोशी की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही, बाबा के बुलडोजर की रफ्तार भी बढ़ती जा रही। सोचिए जब बाबा 25 मार्च को शपथ ले लेंगे, उसके बाद माफिया गुंडे और दंगाइयों की क्या हालत होगी। और बाबा के शपथ ग्रहण से पहले दौड़ता बुलडोजर उसका ट्रेलर है। बाबा तो द बुलडोजर फाइल्स फिल्म की पूरी तैयारी कर चुके हैं और 25 मार्च के बाद ये दिखने वाला है। बाबा के शपथ ग्रहण को लेकर लखनऊ में क्या खास तैयारियां हैं, बाबा के शपथ ग्रहण में कौन कौन शामिल होगा, ये सब हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले बाबा के बुलडोजर के रौद्र रूप को देख लीजिए। कानपुर, मेरठ और आगरा के बाद इस पर बुलडोजर बहराइच, नोएडा और आजम खान के गढ़ रामपुर में चला है। शपथ ग्रहण से पहले ही बाबा का बुलडोजर तेज रफ्तार में दौड़ने लगा है, लेकिन असली रफ्तार 25 मार्च के बाद दिखेगी, खासकर उनके लिए जो चुनाव में कुकुर मुत्ते की तरह उग आए थे, ये सोचकर कि बाबा की वापसी नहीं होने वाली। बहराइच में बुलडोजर कब्रिस्तान के जमीन पर अवैध कब्जा करके बनाए गए मदरसे पर चला, तो आजम खान के गढ़ रामपुर में नगर पालिका के जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा कर दुकान बना चुके माफियाओं के कब्जे पर चला, जो बता रहा है कि बाबा जो कहते हैं वो पूरा भी करते हैं, बाबा अपने वादे के पक्के हैं। 10 मार्च की तिथि जब परिणाम आएंगे, भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी, तो फिर माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई का अभियान और बुलडोजर चलने का अभियान फिर प्रारंभ हो जाएगा। ये तो ट्रेलर है। सोचिए 25 मार्च के बाद जब बाबा दूसरी बार सीएम की शपथ ले लेंगे, उसके बाद क्या होगा? वही होगा जो बाबा और बुलडोजर चाहेंगे। और बाबा और बुलडोजर यूपी में शांति चाहते हैं, गुंडे माफिया और दंगाइयों का खात्मा चाहते हैं। और माफिया गुंडों में बाबा और बुलडोजर का खौफ दिखने भी लगा है। गले में तख्ती लटकाकर गुंडे थाने में सरेंडर कर रहे हैं और हाथ उठाकर थाने के बाहर सरेंडर करने की ये लाइन शामली की है। लखनऊ के चाक चौराहे सज गए हैं, इकाना स्टेडियम में मेहमानों को बैठाने की तैयारी पूरी हो गई है। यहाँ तैयारियां लगातार जारी है। एसपीजी ने इस पूरे मैदान को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया है। यहाँ एटीएस के कमांडोज तैनात होंगे, जितनी भी हाई राइज बिल्डिंग है वहाँ पर कमांडोज तैनात होंगे और ड्रोन से इस पूरे स्टेडियम की तैयारी की जाएगी। कल सुबह यानी 24 मार्च को अमित शाह लखनऊ पहुँचेंगे, इसके बाद विधायक दल की बैठक होगी और सीएम योगी को औपचारिक रूप से विधायक दल का नेता चुन लिया जाएगा। सीएम योगी के शपथ ग्रहण में पीएम मोदी समेत 12 राज्यों के मुख्यमंत्री और 5 उप मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।